हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईपीएफ से पैसा किस तरह से विड्रॉल कर सकते हैं, या अभी जो कोविड-19 जो महामारी है इसके लिए जो सरकार ने इसमें से 75% या 3 सैलरी के बराबर आप इसमें से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो किस तरह से करना है, सबसे पहले दोस्तों आप जो है यूएएन के थ्रू लॉगिन करेंगे और जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यूएन पोर्टल में आप अपना यूएन नंबर और पासवर्ड से यहाँ पर लॉग इन करेंगे, यहाँ साइन इन करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज में जाएंगे और क्लेम फॉर्म पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और क्लेम फॉर्म पे जैसे आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको अपना अकाउंट का जो लास्ट 4 डिजिट है वो यहाँ पे आपको डालना है। इस तरह से मैं यहाँ पे वेरीफाई कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो एग्रीमेंट है उसको आपको यस करना है और प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम आपको यहाँ पे कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आपको किस लिए ये वो करना है, तो आपको पीएफ एडवांस यहाँ पे फॉर्म 31 करना है और यहाँ पे क्या लेना है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19, तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अमाउंट डालेंगे। तो आप 75% मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 25,000 और यहाँ पे एड्रेस स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट देहरादून। यहाँ पे आपको चेकबुक की स्कैन कॉपी करनी है और उसके बाद आप उसको एक्सेप्ट करके आगे फिनिश कर देंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो चेकबुक का आपका साइज है वो 500 केबी से नीचे होना चाहिए। और दोस्तों जैसे आप यहाँ पे चेकबुक को जो है अपलोड करते हैं तो आप आधार को वेरीफाई करके एक ओटीपी जो है आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद दोस्तों आप इसको नेक्स्ट या सबमिट जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि जो आपकी रिक्वेस्ट है वो ईपीएफओ में चली जाएगी और आपके पास एक जनरेटेड पीडीएफ, जो आपकी रिक्वेस्ट है उसकी एक पीडीएफ कॉपी आ जाएगी। इसमें जो ईपीएफ की तरफ से अपडेट आया है कि विद इन 3 वर्किंग डेज में जो है आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा। दोस्तों जिस भी अकाउंट का आप चेक लगाते हैं आपको ये चीज़ उसमें ध्यान रखना है कि आपका नाम उसमें मेंशन होना चाहिए और आपका आईएफएससी कोड बैंक का और अकाउंट नंबर उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए। दोस्तों कई बार आप नया अकाउंट खोलते हैं तो उसमें जो है आपका नाम चेकबुक के ऊपर प्रिंट नहीं होता है, ऐसी चेक की कॉपी जो है वहाँ पर मान्य नहीं होगी, यानी कि वो रिजेक्ट हो जाएगी। दोस्तों यदि आपकी चेकबुक का साइज ज़्यादा है 2 MB 3 MB का है तो उसे किस तरह से कम करना है उस पर भी एक सेपरेट वीडियो है, चाहे तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मैंने डाला हुआ।